बीड़ी लो बीड़ी। हाँ बीड़ी बीड़ी दे तो बताओ मैं नथा का है जान दे। अरे खुदकशी करे ओकरी जोरू धनिया कुलचा अब भग पौरी नागिन माचिस दे माचिस। पीपली लाइव की बीड़ी सुलगाती अम्मा आपको जरूर याद होंगी। सीक्रेट सुपरस्टार, स्वदेश, सुल्तान जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली बेगम फरूक जाफर आज हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितिका और स्वागत है आपका AFC टुडे न्यूज़ में। तो आइए आज बात करते हैं अपनी प्यारी आपा से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। मुजफ्फर अली को अल्लाह सलामत रखे जी, उन्होंने शुरुआत की फिल्मी दुनिया की सैर उन्होंने कराई। हम लोग एक जहाँ खाने पर गए थे दिल्ली में, करीब 150 आदमी थे वहाँ पर, और जब सब चले गए तो ये बालकनी में बैठे हुए थे। वहाँ से आया कहीं ना आप मेरी फिल्म में काम करेंगी, मेरे ऊपर लगा किसी ने बॉम्ब फेंक दिया। अच्छा, मैंने कहा अरे हमारे यहाँ तो इतना बैकवर्ड खानदान से हम ताल्लुक रखते हैं कि आदमी लोग फिल्म नहीं देखते जी। और हम फिल्म में काम करेंगे, ये कैसे हो सकता। फिर बाद में वो बड़ा चालाक आदमी है जी, तो उसने हमसे ये नहीं कहा कि आप फिल्म में काम करें जी, जी। आप मेरी मदद करेंगी? अच्छा आप मेरी इस काम में मदद करेंगी जी, जी। मदद करते करते मैं इन्वॉल्व हो गई इतना हाँ जी कि मैंने फिल्म में काम कर दिया। अच्छा, तो ये आपका फिल्मी सफर का पहला कदम था? पहला कदम था हाँ जी। तो यानी कि मुजफ्फर अली जी ने कान इधर से नहीं इधर से पकड़ा घुमा के। हाँ भाई घुमा के। और माशाल्लाह क्या कान पकड़ा कि आप आज तक हमारे साथ हैं। अरे भाई देखो अब कब तक रहेंगे, ये तो इंशाल्लाह आप आगे काफी सालों तक ऐसे ही हमारा मनोरंजन करती रहेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर उसके बाद फिर ये आप उमराव जान में जो काम आपका हुआ और उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा अनुभव रहा वो पहली पिक्चर? बहुत अच्छी थी जी। और ये सब हजारों सलाम रेडियो स्टेशन को जी जी। मैं अनाउंसर थी। अच्छा अच्छा, ESD में जी। फिल्मों में आने से पहले आप अनाउंसर रेडियो में थी जी। अच्छा, और वहाँ शायद आपने प्लेज वगैरह भी कुछ किए जिससे आपको बहुत प्लेज किए तभी मैं रेडियो पर आई जी जी। एक छोटा सा और है कि आप फिल्मों में जब आईं तो मैंने सुना है कि आपने रेखा को रुला दिया था। रेखा जो रोई जी तो उसमें था मेरी चंदा जी, माँ का घर उजाड़ के कौन सी नगरी बसाई तूने। अच्छा, तो इस पर वो रोई फूट के, मैं भी खूब रोई जी, जी, जी। गई तो रेखा ने मुझे देखा और कहा हट जाइए मेरी नजरों के सामने से। अच्छा, आपने मुझे सचमुच रुला दिया। मैं जी। किसी फिल्म में रोई नहीं थी जी, आपने उन्हें रुला दिया बिल्कुल तो। माशाल्लाह वो फिल्म में वो सीन देख के भी काफी लोग रोए होंगे और मैं भी बहुत रोई थी जब मैंने वो पिक्चर देखी। अरे खास भाई, वो जब आज आदमी लोगों को मैंने देखा जी जो उसका जिक्र होता जैसे इस वक्त हो रहा है, जिक्र होता है तो उनकी आंखें गीली हो जाती। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत है कि भगवान की तरफ से आपको कि इस तरह की चीज़ें जो अंदर से आती हैं वो आपने की और वो इतनी सफल रही। एक छोटी सी चीज़ और कि जब आप फिल्मों में आई तो आप चूंकि एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी, नवाबी खानदान था वो, तो मियाँ की तरफ से कभी कोई रुकावट नहीं आई? नहीं रुकावट नहीं, और बढ़ावा मिला तभी मैं कर सकी माशाल्लाह, वरना मैं बैठ जाती जी जी। उनकी तरफ से पूरी छूट थी आपको कि आप फिल्मों में? बिल्कुल बिल्कुल छूट थी, हर काम में छूट थी। मैंने तालीम भी अपनी पूरी की शादी के बाद। अच्छा अच्छा, मियाँ ने कोई रुकावट नहीं डाली, बहुत प्रोग्रेसिव लोग थे जी। तो ये अली जहीर साहब का खानदान जी लखनऊ में मशहूर। सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका रोल कौन सा है? मुझे तो पीपली लाइफ का है जी। वो कहती है बंग से आया हो जी, बंग से वो आया है इंटरव्यू लेने जी, प्रेस रिपोर्टर जी, तो बंग से आया। वो कहती है बंग से आया हो, आप काले नहीं हो, बाप दादा की जमीन ले गए जी।
अब गोरू ले जा, छेड़ी ले जा, घर ले जा, द्वार ले जा, अब का ले जाइयो। तो आपको ये जो अवधि से मिलती जुलती जो भाषा है, इस वैसे वाले कैरेक्टर्स आपको ज्यादा रोल जो है आपने प्ले भी की और आपके पास ऑफर्स भी ऐसी आए। ऐसे वो ऑफर्स आए जी, जी। बहुत शुक्र है अल्लाह का लगना जी के ऑफर भी जो आए वो मेरे जो पसंदीदा है रोल थे जी, जो आपकी शख्सियत से मैच करते थे उस तरह के रोल आपको। बिल्कुल 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 माशाल्लाह काफी अच्छा। मतलब पीपली लाइफ तो ऐसा है कि जो कोई भूल ही नहीं सकता है, वो मतलब अमर हो गया एक तरह से रोल, वो अम्मा का रोल अमर हो गया, नत्था की अम्मा का रोल। हाँ वो जो कहती है जी कि वो हाँ नत्था ये मरने की कगार पे है, रिपोर्टर पूछता है कि नत्था मरने की कगार पे है, अम्मा कुछ कहना चाहती हो बताइए, आपको क्या लगता है आपका बेटा हाँ। बताओ, किसी माँ से इस तरह पूछा जाता जी, जी। तो वो कहती है पहले बीड़ी देव जी तब हाँ। बताई हाँ। फिर बाद में हाँ। बीड़ी वो तो कहता है देता है तो कहता ओ मचिसिया काहे जलाई तो माचिस भी देता है जी। तो वो कहती है कि नथा का है जान दे जी। अरे जान दे वो करी जोरू धनिया नागिन वो का है कि जान दे। ये बिल्कुल सुपर हिट आपका डायलॉग था इस फिल्म का। अच्छा और जी और बहुत लोगों ने पसंद किया और आज भी बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। अरे बार बार अच्छा फिल्मी दुनिया में आपने कई जो बिग हमारे जो खान परिवार जो पूरा है उन सबके साथ हर खान के साथ आपने काम किया। हर खान के साथ काम जी, किया जी। स्वदेश में काम किया आमिर ओ, ओ शाहरुख के साथ जी, आमिर खान पीपली लाइफ में जी उनके प्रोडक्शन की फिल्म थी, प्रोडक्शन की फिल्म थी जी। और सुल्तान में कैसा एक्सपीरियंस था आपका सलमान खान के साथ? अरे सलमान के खान के साथ बहुत अच्छा रहा जी। सुल्तान में तो वो डायलॉग तू मेरा वो दादी बनी है ना जी, दादी बनी है हाँ। तो कहती वो कहता दादी के बोलू जब वो निकाह उसका होता है हाँ। तो कहते अरे कह देना हाँ। कि हाँ कबूल है। तो आपा उमराव जान के साथ जो आपका सफर शुरू हुआ फिल्मी सफर वो गुलाबो सिताबों तक आकर रुका अभी, तो ये जो शूटिंग थी आपकी गुलाबो सिताबों की जो अभी पिछले दिनों आपने की है पूरी की है उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अमिताभ बच्चन जी के साथ खासकर काम करने वाला? अरे भाई जी जिसको देखो टेलीफोन आ रहा है जी 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 कि हम आप अकेली मिलेंगी हमसे नहीं मिलवाएंगी। अच्छा अमिताभ बच्चन से हमको कुछ फर्क ही नहीं लग रहा था जी जी। अच्छा आपका रोल उसमें क्या था अमिताभ बच्चन जी के साथ क्या रोल है आपका? अरे भाई वो पूरी फिल्म में मैं मालकन बनी हूँ जी जी और अमिताभ बच्चन से शादी होती है। अच्छा वो आपके शौहर बने हैं? मेरे शौहर बने हैं जी जी और उनको डोमिनेट करने के चक्कर में जी। अच्छा हम रहते हैं हमेशा मतलब फिल्म का किरदार आपका ये है। अच्छा। फिल्म का तो आप कितना डोमिनेट कर पाई उनको? अरे भाई मैं तो वैसे ही डोमिनेट करना चाह रही थी जी लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया। अच्छा डायरेक्टर ने ही मना कर दिया मगर ये कि मैं धौंसियाए रहती थी उसको। अच्छा अब वो डरता था लेकिन आपने अपने तबीयत भर डोमिनेट किया उनको अमिताभ। अरे खूब किया डोमिनेट जी बिल्कुल। हम बिल्कुल देखना चाहेंगे वो और हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस पिक्चर का। हाँ, जरूर देखना जरूर देखना बिल्कुल बिल्कुल। और एक और आखिरी सवाल कि फिल्मी दुनिया का आपका ये सफर जो उमराव जान से शुरू हुआ और अभी गुलाबो सिताबों तक आकर चल रहा है अभी इंशाल्लाह और चलता रहे, तो फिल्मी दुनिया में आपको क्या कुछ अंतर नज़र आया तब की फिल्में और अब की फिल्में या उस समय का लखनऊ और अब के लखनऊ में क्या आपको अंतर लगता है? बहुत फर्क हुआ जी। अब तो इतने ज़्यादा बरसाती कीड़े की तरह से करेक्टर मिल गए हैं जी 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 कि ज़रा सहू होता है तो पता लगता है कि सब छा गए हैं जाके जी जी।
तब आपके मतलब उस समय उमराव जान के समय जो फिल्मी सफर था वो इतना आसान नहीं था जितना अब हो गया है, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है ऐसा। जी, जी, अब ज्यादा आसान हो गया, अब ज्यादा आसान हो गया। पहले लखनऊ में इतनी भीड़ नहीं होती थी जी, अब बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। जरा सा हो कर दो फिल्में, और फिल्में भी खूब बनने लगी हैं यहाँ। और सुना यही है कि वो बम्बई की तरह से यहाँ भी कोई फिल्म सिटी वगैरह बनने वाली बन रही है यहाँ पर। ये एक तरह से अच्छा है हमारे लखनऊ के लिए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फिल्में बने, और लेकिन अच्छी फिल्में बने। मतलब मगर अच्छी जब भीड़ होगी तो अच्छा ही नहीं रहेगी। जी इंशाल्लाह आप ऐसे ही और फिल्मों में काम करती रहें आगे भी, और इसी जोश व खरोश के साथ हमारे साथ रहें। और हम अपनी मुलाकात जो है वो अब यहीं ख़त्म करते हैं आपा। आपकी जिंदा दिली यूं ही बरकरार रहे, और आप बरसों बरस ऐसे ही हमारा मनोरंजन करते रहिए। अरे भाई ये सब तुम लोगों की देन है। जी जी, हमको सराहती हो तो हमको भी हौसला होता है। शुक्रिया शुक्रिया आपा। और दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आपा के साथ हमारी ये मुलाकात आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके बताइएगा। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए AFC Today News।